आयुष्मान भारत के 2,20,000 से भी कार्ड धारक यानी गोल्डन कार्ड इन परिवारों को उपलब्ध करवाया गया है और प्रदेश के अंदर हर इस जनपद के अंदर नगर निकाय से जुड़े हुए हर योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी, चाहे वह मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जिसमें नगर पंचायत शिवगढ़ का सृजन हुआ और 3 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार का कार्य भी यहां पर हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह का गठन हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत रायबरेली के अंदर 5 परियोजनाओं के लिए 283 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 123 करोड़ रुपए का काम यहां पर पेयजल का चल रहा है और साथ साथ सीवर को भी कार्य यहां के लिए राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृत किया गया है। भाइयों बहनों, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, अंत्येष्टि स्थल, कान्हा गौशाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी रायबरेली के नगर निकायों को राज्य सरकार ने उन्हें चयनित किया है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। भाइयों बहनों, एक और विकास के कार्य, बुनियादी सुविधाओं के कार्य, एक और प्रदेश के अंदर लगातार किए जा रहे प्रयास। अगर हम सुरक्षा का बेहतर माहौल नहीं देते, आपने देखा होगा अभी हाल ही में फरवरी में 10 से 12 फरवरी राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटर का आयोजन किया था। 35,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 35,00,000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। इसमें नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी के लिए अब देश और दुनिया के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा। वह निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, यही के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। मुंबई, दिल्ली या फिर कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा पैकेज यहां के नौजवानों को यहीं पर प्राप्त होगा। 2 करोड़ नौजवानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का कार्य राज्य सरकार कर रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमारे व्यवसायियों की ज्यादातर भी रंगदारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए। हमारे नगरों में सोहदों का आतंक होना चाहिए या हमारे नगर सेफ सिटी बने। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।